तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज है हमारा इंडिपेंडेंस डे, यानी 15 अगस्त। और ये 15 अगस्त बहुत ही ख़ास है, पहला कि इस बार हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और दूसरा कि ये 75th इंडिपेंडेंस डे है, मतलब हमारी आज़ादी को 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। तो ये काफ़ी ऑस्पिशियस मौका है, और काफ़ी मतलब बहुत ही भाग्यशाली लोग होंगे जो इस एरा के हैं, जो इस एरा में वो जन्म लिए हैं, और उनको आज़ादी का 75th एनिवर्सरी मनाने का मौका मिल रहा है। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन। और मैं सुबह सुबह बाहर जाके कुछ सामान वामान लेके आ चुका हूँ, और फ़िलहाल मैं ऑब्वियसली उससे पहले चाय वगैरह हॉर्लिक्स वगैरह सब कर लिया था, और अभी मैं आपको मम्मी से भी मिलवा देता हूँ। मम्मी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग तो बहुत पहले हो गया है। हाँ, मॉर्निंग हमारा बहुत पहले हो चुका है। हाँ। मैं सुबह कितना मिर्ची है, सुबह उठ के मैंने फ्लैग होस्टिंग भी देख लिया, जो रेड फोर्ट पे होता है, लाल किला पे जो प्रधानमंत्री हमारे करते हैं, फिर उनका भाषण भी सुन लिया, जो स्पीच था और उन्होंने क्या क्या बोला वो सब भी सुन लिया। दो स्पेशल चीज़ें उन्होंने बोली, पहला परिवारवाद, दूसरा उन्होंने कहा है भ्रष्टाचार। जो ये दो चीज़ों पर पहली बार आई थिंक मैंने किसी प्रधानमंत्री को लाल किले से बोलते हुए देखा है। ये सब आप लोग हमेशा इलेक्शन कैंपेनिंग वगैरह वगैरह में सुनते होंगे, पर पहली बार ऐसे मौके पे, इंडिपेंडेंस डे के मौके पे, कोई प्रधानमंत्री पहली बार लाल किले से इन दो मुद्दों को एड्रेस कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात। सबको इंडिपेंडेंस डे का विश करो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलो ना। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो नाश्ता वास्ता क्या बन रहा है? नाश्ता बन रहा है भिंडी का भुजिया। और भिंडी का भुजिया, आलू परवल का सब्जी, और पराठा, और सलाद नाश्ता में, और बुनिया उनिया सब। बुनिया भी है, बुनिया आज तो बुनिया खाया जाता है। हाँ, भोरे उठ के ब्रश करके नहा धो के झंडा फहरा के बुनिया खाया जाता है, बुनिया भुजिया। हाँ, तो बुनिया भुजिया भी है, लेकिन हम लोग कल से ही खा रहे हैं बुनिया भुजिया। नहीं, आज खाया ही जाता है, सबसे पहले भोरे उठ के नहा धो के ब्रश करके बुनिया भुजिया ही खाया जाता है, झंडा फहरा के खाया जाता है। हाँ, मतलब झंडा फहरा के। तो बुनिया भुजिया पहले दो सबको, उसके बाद नाश्ता होगा। हाँ, तो पहले फास्टिंग बुनिया भुजिया से तोड़ा जाता है। हाँ, तो फास्टिंग है तो पहले बुनिया भुजिया खा लो, उसके बाद बन रहा है नाश्ता, नाश्ता करना। तो नहाएंगे पहले तब ना। नहाओ, जाते हैं नहा धो के रेडी होते हैं, और उसके बाद फिर नाश्ता, तब तक भी लग जाएगा, तब तक नाश्ता करेंगे, फिर अभी जाते हैं नहाने धोने के लिए। तुम भी जाओ। हम तो नाश्ता बना रहे हैं, गणेश चतुर्थी है, फास्टिंग है। ओ, आज बेचारी बुनिया भुजिया भी नहीं खा पाएगी। पनीर रात में बनेगा। ओ, पनीर नहीं ना मिला, दूधे ले आया ना। हाँ, दूध ला, दो पैकेट दूधे ले लिया। तो जाते हम नहाने के लिए। तो गाइस, अब मैं भी नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, और आप कुर्ता देख के समझ ही गए हो कि अभी रिसेंटली मैंने राखी पे यही कुर्ता पहना था, और ये कुर्ता बाहर ही रखा था, तो मैंने सोचा कि ये पहन लेता हूँ, थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचा लूँगा, फिर अपना वापस ये रख दूँगा, और या धो प्रेस में चला जाएगा। तो वही कुर्ता मैंने दो मिनट कुछ देर के लिए बस पहन लिया है, आधा एक घंटे के लिए, फिर निकाल दूँगा, और तैयार व्यार हो के रेडी हो चुका हूँ, और अभी झंडा लगाने का टाइम आ गया। वैसे तो मैंने लगा दिया था, अभी वापस बालकनी में लगा रहा हूँ, पहले छत पे लगाया था, तो अभी मैं आपको लगाते हुए भी दिखा देता हूँ। ये हमारा इंडियन फ्लैग, और ये हम अभी लगा देते हैं बालकनी में, हमने यहाँ ताज लगा के।
अच्छी हवा है, पूरा झंडा लहरा रहा है, पूरा झंडा। और मैं आपको दिखा देता हूँ, आसपास के लोगों ने भी हर घर तिरंगा जो अभियान है सब पार्टिसिपेट करते हुए सबने अपने अपने घर के बाहर झंडा लगाया है। तो अब मैं भी आपको वो दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ लगा है और यहाँ लगा है, फिर यहाँ भी लगा है और यहाँ भी लगा है। और भी काफ़ी जगहों पे लगा है, यहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है। ऑलमोस्ट सब ने अपने अपने घर के बाहर तिरंगा लगाया है। और आपको मैं एक और चीज़ दिखा देता हूँ। पता नहीं शायद आपको दिख रहा होगा कि नहीं, बट यही हमारे देश की खूबसूरती है कि मंदिर के ऊपर भी झंडा लगा हुआ है भारत देश का। और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि झंडा हमारे धर्म, मजहब और बाकी सारी चीज़ों, जाति से ऊपर उठकर हमारे देश के शान में हमेशा फहराया जाता है। तो यही देखिए, हमारे मंदिर के ऊपर भी, हमारे पास के मंदिर है उसके ऊपर भी झंडा लगाया गया है। तो गाइज, आपने देखा कि यहाँ मधुबनी में भी हमारे घर के चारों तरफ भी सभी लोगों ने झंडा लगाया है। और काफ़ी ये जो 75th एनिवर्सरी है हमारे इंडिपेंडेंस का, वो लोगों ने काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया है। लोगों ने धर्म, मजहब, जाति, संप्रदाय, प्रांत सबसे ऊपर उठकर हर घर तिरंगा अभियान में पार्टिसिपेट किया। सब ने अपने झंडे अपने घरों के बाहर लहराए हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारा, किसी भी हर धर्म के लोगों ने अपने अपने जगहों पे झंडा फहराया है, रैलियां निकाली है, अलग अलग पार्टीज़, हर हमारे यहाँ ऑलमोस्ट बहुत सारी पार्टीज़ है। और किसी भी एक मुद्दे पे सारी पार्टीज़ का, कभी कभी ऐसा होता है जो मतलब किसी एक मुद्दे पे सभी लोग समर्थन करते हैं किसी चीज़ का, और वो उनमें से एक है कि हर घर तिरंगा और तिरंगा रैली जो निकाली जा रही है, हर पार्टी निकाल रही है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो, शिवसेना हो, और भी कितने सारे ढेरों पार्टीज, सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है इसमें। आज़ादी का 75वां सालगिरह जो है, इसको सब ने खूब धूमधाम से मनाया है। तो अभी हम लोग भी इसी के साथ अभी नाश्ता पानी करने के लिए जाते हैं और देखते हैं क्या नाश्ता पानी आज बना है। चलो, तुम कहाँ से आ गई? क्या? तुम कहाँ से आ गई? उधर से आ गई। चलो, नाश्ता बन गया है। नाश्ता क्या है? नाश्ता दे दो, दे दो, दे दो, नाश्ता दे दो। भूख लगी है, भूख लगी है। क्या है नाश्ता? पराठा है, भुजिया है, कंची का भुजिया है, भिंडी का भुजिया, और सलाद है। कल तुम भूल गया था, थाली में सलाद ही। फ्रिज में रहेगा तो भूल ही जाएंगे ना। सलाद है, सब्जी है, कल तुम भूल गया था ना, तुम सलाद दिया था ना चटनी दिया था, ऐसे ही तुम अति करने का दे। अरे तो फ्रिज में रहेगा तो हमको कैसे पता चले? तुम बोली भी नहीं, हम तो भूल गए क्योंकि हमको पते नहीं था। आलू और किस चीज़ का सब्जी है? परवल की दे। नहीं 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 नहीं, परवल नहीं। और क्या है? और
यस, झंडा फहराने के बाद बुनिया भुजिया का भोग लगना जरूरी है ना। बुनिया पर झंडा फहराने के बाद बुनिया भुजिया का भोग लगना जरूरी रहता है। हमारे यहाँ झंडा फहरा के लोग बुनिया भुजिया ही खाते हैं। भुजिया ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, बुंदिया और भुजिया। बुनिया श्योर, भुजिया और श्योर, ये रहा। चलो पानी ले आ। तो गाइस हमारे यहाँ लोग झंडा फहराते हैं, उसके बाद बुनिया और भुजिया मतलब शो जो होता है वो खाया जाता है, और इसका कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा होता है। बुनिया मीठा, शो नमकीन, तो दोनों मिला के काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। तो अभी फ़िलहाल चूँकि नाश्ता लग गया है तो मैं भी नाश्ता वाश्ता करता हूँ, और फिर जैसे जो होगा मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊँगा। तो गाइस अब हो गई है रात और टाइम हो गया है डिनर का, तो देखते हैं डिनर में क्या बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चू डिनर में? बच्चू कुछ नहीं। कुछ तो बना रही हो, गमक गमक रहा है। जीरा क्या बना रही हो? जीरा का हांजी हांजी मैडम। ओ मैडम कहाँ बना रहे हैं? मुंडी। तुम हमेशा मुंडी 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 से तुम्हारा क्या ऑब्सेशन है? मुंडी मेरा बहुत बेस्ट मुंडी। इसलिए तुमको मुंडी से ऑब्सेशन है? कुछ भी बोलो, क्या मम्मी है? मुंडी। क्या कर रही हो? मुंडी 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 मुंडी। क्या बना है? क्या बना है? मुंडी रसगुल्ला। क्या खाने के लिए है? तुम मुंडी हमेशा मुंडी मुंडी कहती हो। कितना मुंडी खाएगा लोग? इतना मुंडी खाएगा तो फिर बीमार पड़ जाएगा। क्यों बीमार पड़ जाएगा? पड़ेगा ना। अरे नहीं पड़ेगा ना। ताओ ना, क्या है खाना पीना आज? आज आज क्या है? जीरा राइस है। ओके। पनीर है। ओके। परवल आलू का दिन वाला सब्जी है। ओके। सलाद है। ओके। और खाइए आप लोग। और आप भी खाओ। उनके बदले हम खा लेते हैं? अरे मेरे पेट के थ्रू ही उन तक जाता है। नहीं, मेरे पेट के थ्रू ही उन तक जाता है। नहीं। अब कमेंट करके बताना मेरे पेट के थ्रू आप तक आता है कि नहीं। टेस्ट मारेंगे कि बस। तो क्या क्या इस समय से बन चुका है? पनीर बना रही हो ना? मरेगी। खाओ, खाइए। देखी नहीं जी ना। तो पनीर बन रहा है, उनको कमजोरी हो गया है। पनीर नहीं बना है ना? कल बना था क्या? कल बनाई थी? परसों बना। बताओ परसों बन गया है, 2 दिन हो गया, कमजोरी नहीं होगा? हम फास्टिंग किए हैं तो अभी तक हम नहीं खाना खाए हैं। एक तो रील के चक्कर में इतना दिमाग मेरा खराब हो गया कि नेट काम नहीं कर रहा था, एक भी रील अपलोड सही से नहीं हो पाया है। बहुत परेशान है, माथा पीछी बहुत हुआ है। थक गए हैं तो उठ के आए हैं। थैंक गॉड थक गई है। अभी टाइम कितना हो रहा है पता है? 11 बज रहे हैं अभी। लेट से गए। और अच्छा हुआ कि थक गई, नहीं तो फिर पता ही है फिर 12 बज जाता। नहीं थकती इतना तो मेकअप जो की है बेकार हो गया। कहाँ मेकअप की? वो सारा चीज खोल लिए हैं, सारा चीज खोल लिए। थैंक गॉड कि तुम थक गई, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो गाइस फिलहाल अभी खाना बना बन रहा है, और खाना बन जाता है उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं, और बन जाता है उसका दिखाते भी है कि कैसा है बना है खाना। अचानक से ऐसे बोले हैं कि लोग डर ही गए होंगे। तो गाइस अब खाना पीना भी लग चुका है, और फिलहाल
कहाँ खाना लगा है? हम लोगों को कह रहे हैं कि खाना पीना लग चुका है और मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या है खाना, और यहाँ खाना लगा ही नहीं है। परोस रहे हैं, देखिए क्या मेरे साथ चीटिंग होता है। हम अंदर रूम में थे, एक फ्रेंड से बात कर रहे थे और मम्मी चिल्ला रही थी, बात करने का समय नहीं। मम्मी चिल्ला रही थी कि खाना लग गया है, खाना लग गया, जाओ खाने, जाओ खाने। अभी बात करने का समय नहीं था। और चिल्ला रही थी कि जाओ खाने, जाओ खाने। और जैसे ही हम बाहर आए देख रहे हैं ना डाइनिंग टेबल पे खाना, ना किचन में खाना, कहाँ है खाना। तो अभी पता चला है कि चूल्हा जल रहा है और ये अभी जल ही रहे, मतलब पक ही रहा है, और खाना लगा भी नहीं है, सारी प्लेटें खाली है और मेरे को बुला लिया गया है झूठ बोल के, चीटिंग करके। यही सब काम करती हो, चीटिंग करती हो। हाँ लग रहा है, देख नहीं रहे। लग रहा है पर तुम क्या बोली हो, लग चुका है, जाओ खाने। और इसलिए बोले हैं कि फोन अब बात खत्म करो और खाना खाओ, 11 बज गया है। 11 जैसे लगता है मेरे कान बचा है, ये खुद ही एक्सपेक्ट कर ली थी कि भाई हम रील भी बना लेंगे, ऐसे भी कर लेंगे और 11 भी नहीं बजेगा। खुद ही बोली है कि थक गए थे इसलिए हम बनाए, इसलिए आगे खाना बनाने के लिए। नहीं रे सब तुम अपने बोल के फंस जाती हो। तो अभी खाना लग जाता है, उसके बाद फाइनली मैं आपको दिखाता हूँ क्या खाना लगा है। तो गाइस अब खाना भी लग चुका है मेरा, ये मेरा ही है ना। क्या है खाना? ये है जीरा राइस, पनीर की सब्जी, सलाद, सलाद और ये भी सब्जी। ये किस चीज़ का है? आलू परवल। आलू परवल का यही है खाना। चलो आ रहे हैं पानी लेके। तो चूंकि खाना पीना लग चुका है तो फिलहाल हम खाना खाते हैं सब, और फिर आराम से आपसे मिलते हैं। तब तक बने रहिए आप व्लॉग में। तो गाइस अब हम लोग खाना पीना खा के अब रूम में आ चुके हैं, थोड़ा फ़ोन वोन देख रहे हैं, मम्मी अभी व्लॉग देख रही थी, और हम लोग भी खाना पीना खा के आराम से लेटे, थोड़ा हम लोग भी फ़ोन वोन देखेंगे और थोड़ा चिल करेंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे, उसके बाद सोने जाएंगे क्योंकि जल्दी है क्या? नहीं, साढ़े 12 बज चुके हैं अभी फ़िलहाल। तो फ़िलहाल के लिए इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हर सिंह व्लॉग्स। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।